और जोनेस में रिहायशी इलाकों में रूस के हमले को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां यूक्रेनी गवर्नर पावलो का रूसी फौज पर बड़ा आरोप भी लगा है कि रूस के हमले में डोनेस के 3 सिविलियंस की जान चली गई है और रिहायशी इलाकों पर रूसी हमले में 14 लोगों के घायल होने की भी इस बीच खबर मिल रही है। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मनीष से हम ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि अलग अलग रीजन्स में बढ़ती इन सेनाओं को लेकर किस तरीके से मोर्चेबंदी की जा रही है, लेकिन राठौड़ सर ये ग्राउंड रियालिटी जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमलों का दायरा अब एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, एक इसमें एक और पहलू है कि जब से सर्गेई सुवोरकिन को ओवरऑल कमांडर नियुक्त किया गया है तब से ये हमले और तेज हो गए, साथ में ये कर्च ब्रिज का भी अटैक आ गया। इसके अंदर में एक चीज ये देखी जा रही है कि अब रूस जो है जहाँ जहाँ यूक्रेनी सेना उनके रियर एरियाज में कम्युनिकेशन सेंटर्स में ट्रूप मूवमेंट पे अटैक करना शुरू कर रही है ताकि फ्रंट लाइन पे उनके अटैक का तीखापन कम किया जाए, उनका तेज धार कम की जाए ताकि रूस की सेना को उतना वक्त मिल जाए वहां पर संभल के खड़े होने के लिए।